राजमुक्त लीला। श्री श्याम सुंदर एवं राधारानी नौका विहार के पश्चात नाव से उतरकर पुलिन पर खड़े हैं। चंद्रमा की शुभ्र चांदनी में पुलिन की बालुका अतिशय चमचम कर रही है। श्री यमुना जी के जल को स्पर्श करता हुआ शीतल मंद पवन प्रवाहित हो रहा है। पवन श्री वृंदावन के पुष्पों की सुगंध से सुगंधित तो था ही, इस पर श्री प्रिया प्रियतम के अंगों की सुगंध से युक्त होकर यह अनंत गुना सुगंधित हो गया है। श्याम सुंदर ने अपने दुपट्टे को कमर में कस लिया है, इससे कमर के ऊपर का भाग पूर्णतः खुला हुआ है। हाथ में वंशी है। बड़ी मतवाली चाल से वे उत्तर एवं पश्चिम के कोने की ओर चलने लगते हैं। श्री श्याम सुंदर के बाएं हाथ में पीले रंग का रुमाल है, जिसके नीचे की छोर पर गांठ लगी है। वे कुछ दूर चलकर फिर ठहर जाते हैं तथा पीछे की ओर मुख करके खड़े हो जाते हैं। इस समय श्याम सुंदर का मुख पूर्व एवं दक्षिण के कोने की ओर है। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्री श्याम सुंदर से 5-6 हाथ हटकर उनके पूर्व की ओर श्री राधा रानी खड़ी हैं। श्री राधा रानी का मुख ठीक उत्तर एवं पश्चिम के कोने की ओर है। रानी एक बार तो श्याम सुंदर के मुख की ओर देखती हैं, फिर पीछे मुड़कर कुछ दूर पर पूर्व की ओर खड़ी हुई विशाखा को देखती हैं तथा संकेत से उसे अपने पास बुलाती हैं। विशाखा पास में आ जाती हैं। रानी विशाखा के कान में कुछ कहती हैं। विशाखा वहां से दाहिनी ओर कुछ हट जाती हैं तथा नीचे झुककर पुलिन पर से थोड़ी बालुका उठा लेती हैं। बालुका को एक रुमाल में शीघ्रता से बांधकर उसमें ठीक से गांठ लगा देती हैं। गांठ लगाकर बाएं हाथ से गुड़ मंजरी के हाथ में दे देती हैं। श्री कृष्ण विशाखा की इस चेष्टा को देख लेते हैं तथा वहां से दक्षिण की ओर चलकर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां यमुना का प्रवाह पुलिन को छूता हुआ बह रहा है। जल के पास पहुंचकर श्याम सुंदर एड़ी डूबने तक पानी में प्रवेश कर जाते हैं तथा अपनी पीठ राधा रानी की ओर करके पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हो जाते हैं। फिर वे झुककर पानी में हाथ डालते हैं, पर ऐसी मुद्रा बनाते हैं मानो पानी से आँख धो रहे हों। इसी बीच पानी के भीतर से थोड़ी गीली बालुका बहुत शीघ्रता से निकालकर अपने रुमाल में, जो कमर में आगे की ओर लटक रहा था, बांध लेते हैं। राधा रानी कुछ तीव्र गति से चलती हुई ठीक उसी समय उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। रानी श्याम सुंदर के कंधे को पीछे से पकड़कर खिलखिलाकर हंसती हुई हिला देती हैं। श्याम सुंदर पीछे मुड़कर राधा रानी की ओर मुख करके खड़े हो जाते हैं। रानी झुक करके अपनी अंजलि में थोड़ा यमुना जल भर लेती हैं तथा एक श्लोक पढ़ती हुई श्री श्याम सुंदर के मुख पर धीरे से कुछ छींटे दे देती हैं। रानी ने जो श्लोक पढ़ा था उसका भावार्थ यह है कि आज के रास यज्ञ की निर्विघ्न संपन्नता के लिए मैं वृंदावन के देवता का अभिषेक कर रही हूँ। श्री श्याम सुंदर रानी के हाथ से छींटे लगते ही उसी प्रकार थोड़ा जल लेकर रानी के मुख पर छींटे देते हुए ये कहते हैं, नहीं, वन देवी का अभिषेक पहले होना चाहिए। राधा रानी रुमाल से मुख पोंछने लगती हैं। मुंह पोंछकर फिर दाहिने हाथ से श्री कृष्ण का दाहिना हाथ पकड़ लेती हैं तथा झटका देती हुई पानी से बाहर निकल आती हैं। अब श्री श्याम सुंदर एवं राधा रानी दोनों ठीक पूर्व की ओर मुख किए हुए खड़े हैं। श्री श्याम सुंदर मुरली को अपनी फेंट में खोस लेते हैं तथा कमल के पत्ते की एक छोटी सी पुड़िया अपनी कमर से निकालते हैं। पुड़िया को खोलकर उसमें जो हरे रंग की चूड़वत कोई वस्तु है उसे अपनी अंगुलियों में लगा लेते हैं। फिर राधा रानी को संकेत से कहते हैं कि चुप रहना, कुछ बोलना नहीं। इसके बाद वे आगे बढ़ जाते हैं एवं गुड़ मंजरी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। श्याम सुंदर को अपनी ओर आते देखकर गुड़ मंजरी समझ गई कि ये बालुका की पोटली मुझसे छीनने आ रहे हैं। I wanted to become a nurse because it has always been a passion of mine. Nursing at East. अतः वह उनसे उनके आने के पहले ही पोटली को रूप मंजरी के हाथ में देकर हाथों को कमर पर रखकर खड़ी हो जाती है तथा श्याम सुंदर के पास आने पर पूछती है, क्यों, क्या बात है? श्री श्याम सुंदर समझ जाते हैं कि इसने पोटली तो कहीं आगे बढ़ा दी है, इसीलिए तुरंत ऐसे मुद्रा बना लेते हैं मानो वे सचमुच दूसरे काम से उसके पास आए हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, री एक काम कर, दौड़कर वहां से थोड़ा घिसा हुआ चंदन ले आ। वहां से लगभग 50 गज उत्तर पश्चिम की ओर हटकर विस्तृत रास वेदी सजी है। श्याम सुंदर अंगुली से संकेत करते हुए वहीं से चंदन लाने के लिए कह रहे हैं। गुड़ मंजरी हंसती हुई चंदन लाने के लिए चली जाती है। श्याम सुंदर श्री प्रिया से प्रेम भरी दृष्टि से पूछते हैं, प्रिय,
बता दे बालिका की पोटली किसके पास है। राधा रानी संकेत कर देती हैं, ठीक पीछे देखो। श्री श्याम सुंदर के कुछ दूर पीछे चित्रा खड़ी है। चित्रा का मुख पश्चिम की ओर है। वायु के हिलोरे से चित्रा के सिर का अंचल सरक कर कंधे पर आ गया है। वह किसी ध्यान में इतनी तल्लीन है कि उसको यह पता ही नहीं कि पीछे क्या हो रहा है। श्री कृष्ण पीछे से आकर चित्रा की बेड़ी को पकड़कर हिलाते हुए पूछते हैं, चित्रा रानी वह पोटली कहाँ है। पोटली वास्तव में चित्रा के पास नहीं है। चित्रा के पास ही इंदुलेखा खड़ी थी, उन्हीं के पास पोटली थी एवं राधा रानी ने उन्हीं के लिए संकेत भी किया था। पर इंदुलेखा ने यह देख लिया कि राधा ने मेरी ही ओर संकेत कर दिया है, अतः शीघ्रता से वे उत्तर की ओर हट गई थी। श्री कृष्ण ने चित्रा को ही अपने ठीक पीछे पाया था, इसीलिए उसकी बेड़ी को हिलाकर पूछ रहे थे। बेड़ी हिलाने पर चित्रा को चेत होता है। वे प्रेम भरी आंखों से पर कुछ चिढ़ी हुई सी मुद्रा में देखते हुए कहती हैं, कैसी पोटली। श्याम सुंदर समझ जाते हैं कि पोटली इसके पास नहीं है, पर तुरंत प्रश्न करते हैं, क्यों, कल मैंने तुम्हें बालुका की कुछ पोटलियाँ बनाने के लिए कहा था ना। श्री श्याम सुंदर सचमुच ही कल चित्रा को बालुका की कुछ पोटलियाँ बनाने के लिए कह चुके थे। इन पोटलियों से यह होड़ होने वाली थी कि नौका विहार के समय जल में कौन कितनी दूर पोटली फेंक सकती है। अतः चित्रा मुस्कुरा कर कहती है, हाँ बन चुकी है, वहाँ वेदी के पास है। श्री श्याम सुंदर अब रास वेदी की ओर बढ़ने लग जाते हैं। श्री राधा रानी उनके पीछे पीछे चल रही हैं। श्याम सुंदर रह रहकर श्री प्रिया की ओर देखने लगते हैं, फिर ठहर जाते हैं तथा श्री प्रिया के दाहिने कंधे पर हाथ रखकर चलने लगते हैं। सखियाँ एवं मंजरियाँ भी उनके इधर उधर एवं कुछ सखियाँ मंजरियाँ पीछे पीछे चल रही हैं। चलते चलते श्याम सुंदर रास वेदी के पास पहुँच जाते हैं। श्याम सुंदर वेदी के ऊपर दाहिना पैर एवं नीचे बायां पैर रखकर राधा रानी से संकेत में कुछ पूछते हैं। रानी विशाखा की ओर अंगुली से संकेत कर देती हैं। श्याम सुंदर विशाखा से कहते हैं, विशाखे आज तुम्हें दाहिनी ओर रहना होगा। श्री विशाखा अत्यंत प्यार भरी तिरछी चितवन से श्याम सुंदर की ओर देखती हैं तथा अपने सुंदर नयनों को कोयों में घुमाती हुई मुस्कुरा कर कहती हैं, अच्छी बात है। श्याम सुंदर श्री प्रिया के कंधे पर हाथ रखे हुए श्री प्रिया को खींचते हुए से वेदी पर चढ़ जाती हैं। सखियाँ एवं मंजरियाँ भी चढ़ जाती हैं। आज वेदी की सजावट तो निराली ही है। चारों ओर से चंदन की एक हाथ चौड़ी पाटी को जोड़ जोड़ कर गोलाकार विस्तृत वेदी सजाई गई है। वेदी का व्यास लगभग 100 गज है। बीच के भाग में बालू भरकर उस गोलाकार स्थल को चंदन की पाटी जितना ऊँचा बना दिया गया है। फिर उस पर पीले रंग की अत्यंत सुंदर कालीन बिछा दी गई है। वेदी के चारों ओर किनारे किनारे दो दो हाथ के अंतर पर सोने के गमले रखे हुए हैं, जिनमें दो दो हाथ ऊंचे हरी लता से लिपटे हुए पुष्पों के हरे हरे वृक्ष हैं। उनमें कुंद की तरह पीले रंग के पुष्प खिले हुए हैं। किसी किसी वृक्ष में तो इतने अधिक पुष्प खिले हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो पुष्पमय पौधा हो। उन पुष्पों से विलक्षण जाति की सुगंध निकल निकल कर समस्त पुलिन को अतिशय सुवासित कर रही है। गमलों की कतार के बाद दो हाथ स्थान छोड़कर फिर एक और कतार सोने के गमलों की है, जिनमें एक एक हाथ ऊँचे बहुत ही सघन एवं महीन पत्तियों के कोई वृक्ष विशेष लगे हुए हैं। उनमें भी गुलाब के छोटे छोटे पुष्प खिले हुए हैं तथा उन वृक्षों की पत्तियों एवं पुष्पों से भी अतिशय मधुर मधुर सुगंध निकल रही है। वेदी के किनारे किनारे तीन तीन हाथ के अंतर पर खम्भे हैं। ये खम्भे वेदी से सटे हुए हैं तथा लगभग 16-16 हाथ ऊंचे हैं। खम्भे चंदन के बने हुए हैं, पर उनमें चारों ओर से खिले हुए उजले कमल के पुष्पों को इस प्रकार पिरो दिया गया है मानो कमल के पुष्पों का ही खम्भा बना हुआ है। उन खम्भों को भी ऊपर से एक दूसरे से चंदन की पतली छड़ियों से जोड़ दिया गया है तथा उनमें भी उजले कमल इस प्रकार पिरोए हुए हैं। उन छड़ियों के सहारे प्रत्येक तीन हाथ के अंतर पर एक एक गमला लटक रहा है। Do you own your home in Virginia but still rent your electricity? If you pay more than $70 a month in electricity, then you वह भी कमल के पुष्पों से ऐसा पिरो दिया गया है कि उसके चारों ओर केवल खिले हुए कमल ही दिख पड़ रहे हैं मानो कमलों का ही गमला हो। उन गमलों में भी छोटे छोटे पुष्पों के पौधे लगे हुए हैं तथा उनमें भी पुष्प खिले हुए हैं। एक खम्भे से दूसरे खम्भे को ऊपर ही ऊपर जोड़ते हुए कमल के पुष्पों का ही अत्यंत सुंदर मेहराब है। उन मेहराबों में एक एवं खम्भों में स्थान स्थान पर अत्यंत विलक्षण मड़ियाँ पिरोई हुई हैं,
जिनके भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाश से वेदी की चमक आज अत्यंत विलक्षण बन गई है। वेदी से नीचे उतरकर पुलिन की बालुका पर छः छः हाथ के अंतर पर कुछ बड़े आकार के गमलों में लगभग 5 हाथ ऊंचे ऊंचे रजनीगंधा पुष्प के वृक्ष लगे हुए हैं। उनमें पुष्पों के गुच्छे लटक रहे हैं। वेदी से लगभग 40 हाथ दक्षिण की ओर एवं 20 हाथ उत्तर की ओर दोनों ओर से श्री यमुना जी की धारा प्रवाहित हो रही है। इन दोनों धाराओं के पास जाने के लिए वेदी से सटाकर 3 हाथ चौड़ा पथ बनाया गया है। पथ भी वेदी के स्थान जैसा ही सुंदर बना हुआ है। पथ के दोनों किनारों के गमलों में उसी प्रकार रजनीगंधा के वृक्ष लगे हुए हैं। वेदी के पश्चिमी किनारे पर ठीक बीच में स्थल से 8 हाथ ऊंचाई पर पुष्पों का एक सिंहासन बना हुआ है। सिंहासन के पास जाने की जो सीढ़ियां बनी हैं, उन सीढ़ियों सहित सिंहासन को चारों ओर से उजले गमलों से पिरो दिया गया है। उनके चारों ओर के एक एक हाथ स्थान को कमल के पत्तों से एवं और भी कई प्रकार की हरी हरी पत्तियों से सजा दिया गया है। उस आसन एवं सीढ़ियों के चारों ओर नीले रंग के रेशमी वस्त्र लगा दिए गए हैं। उन पर मणियों की एवं चंद्रमा की किरणों के पड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यमुना के प्रवाह में कमल का वन हो और उस पर स्वाभाविक ही अत्यंत सुंदर ढंग से कमल का एक सिंहासन बन गया हो। यमुना पुलिन पर बहते हुए शीतल मंद सुगंध वायु का झोंका रह रहकर उन टांगे हुए रेशमी वस्त्रों को किंचित हिला देता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो सचमुच यमुना का जल वायु के कारण हिल रहा हो। वेदी के बीच का स्थान राजनृत्य के लिए खाली है। श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के साथ पूर्व की ओर वेदी पर चढ़कर सिंहासन की ओर बढ़ने लग जाते हैं। श्री वृंदा तुरंत ही आगे बढ़ जाती हैं तथा श्याम सुंदर के पहुंचने के पहले ही वेदी के पास पहुंच जाती हैं। श्री श्याम सुंदर के आने पर वृंदा राधा रानी का हाथ पकड़ लेती हैं तथा विशाखा श्याम सुंदर के दाहिने हाथ की कलाई पकड़ लेती हैं एवं उनके दाहिनी ओर खड़ी हो जाती हैं। रानी श्याम सुंदर के बाईं ओर हैं, उनका दाहिना हाथ श्याम सुंदर के बाएं कंधे पर है। वृंदा प्रिया प्रीतम को साथ लेकर सिंहासन पर चढ़ना चाहती हैं कि इसी समय श्याम सुंदर को संकेत करते हैं। वृंदा रुक जाती हैं तथा ललिता को पुकारती हैं। ललिता रानी कुछ दूर पर खड़ी रहकर कुछ मंजरियों को यह बता रही थी कि कौन किस वाद्य यंत्र को आज बजाएगी और कौन कहाँ पर खड़ी होगी। उन्हें पुकार कर वृंदा देवी कहती हैं, ललिता रानी, श्याम सुंदर तुम्हें बुला रहे हैं। ललिता धीरे धीरे चलती हुई श्याम सुंदर के पास आ जाती हैं तथा मुस्कुराती हुई कहती हैं, क्यों बोलो। श्याम सुंदर कहते हैं, अपना रुमाल दे। ललिता कुछ कपट क्रोध करके कहती हैं, अभी से छेड़खानी आरंभ कर दी, राधा का रुमाल ले लो, मैं नहीं देती। श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए अपनी कलाई विशाखा के हाथ से छुड़ाकर बड़ी फुर्ती से ललिता की कमर में लटकते हुए रुमाल को खींच लेते हैं तथा उसमें पोंछ देते हैं वह हरे रंग की चूड़वत कोई वस्तु जो उन्होंने अपनी अंगुली में कुछ देर पहले लगाई थी। फिर विशाखा की कलाई पकड़कर वृंदा एवं श्री प्रिया के साथ श्याम सुंदर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर सिंहासन पर जा पहुँचते हैं। वहाँ श्री प्रिया प्रीतम पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाते हैं। विशाखा कलाई छुड़ाकर रानी के पास जाकर कान में बहुत धीरे से कुछ कहती हैं पर श्याम सुंदर से सुन लेते हैं और कहते हैं, नहीं, आज तो विशाखा रानी ही हमारे दाहिनी ओर रहेंगी, अब मैं किसी का कोई प्रस्ताव नहीं सुनूंगा। वेदी के पश्चिम की ओर रेशमी वस्त्रों से निर्मित अत्यंत सुसज्जित एक कुंज है। अब वृंदा देवी की दासियां उस कुंज के अंदर से सेवा के विभिन्न प्रकार के सामान लाकर सीढ़ी के नीचे रख देती हैं। शीतल जल की झारियां, पानी से भरी परात, कुल्ला करने के लिए सुंदर आकार वाले सोने के गमले, गुलाब पाश, पिचकारी, छोटी छोटी सोने की प्यालियों में खस, गुलाब, मेहंदी, मोतिया आदि के अत्यंत सुगंधित इत्र और फिर इन प्यालियों से भरी परात, इस प्रकार सेवा के विभिन्न सामानों से सिंहासन के नीचे का कुछ दूर तक का स्थल भर जाता है। विचित्र विचित्र वाद्य यंत्रों को ला लाकर वृंदा की दासियों ने सिंहासन के पास सजा सजा कर रख दिया है। ललिता, विशाखा, वृंदा एवं अन्य मंजरियाँ मिलकर सेवा प्रारंभ करती हैं। श्री प्रिया प्रीतम पहले शीतल जल का पान करते हैं, फिर पान का बीड़ा मुख में रख लेते हैं। कोई सखी सीढ़ियों पर बैठी हुई है, कोई खड़ी है तथा प्रिया प्रीतम के मुखारविंद की शोभा निहार रही है। यद्यपि देखने में सीढ़ी बहुत बड़ी नहीं है पर आश्चर्य की बात यह है कि सभी सखियां मंजरियां एवं वृंदा की बहुत सी दासियां यह अनुभव कर रही हैं कि मैं सीढ़ी के पास या सीढ़ी पर खड़ी या बैठी हूँ। स्वयं जल पीकर एवं पान खाकर श्याम सुंदर उठते हैं
तथा एक साथ ही सब सखियों को अपने हाथों से सुमधुर जल खिलाते हैं तथा मुंह में पान खिलाते हैं। इसके पश्चात श्याम सुंदर रानी को कुछ संकेत करते हैं। रानी अत्यंत प्यार भरे स्वर में कहती हैं, वृंदे मेरे प्यारे श्याम सुंदर, आज अपने हाथों से तुम्हारी दासियों को पान खिलाना चाहते हैं, अतः सब दासियों से मेरी ओर से अनुरोध कर दे कि मेरी प्रार्थना मानकर सभी श्याम सुंदर के हाथ से पान खा लें, कोई तनिक भी संकोच नहीं करें। How can recruiters ignore resumes from those who want to make a major career leap? Hi. रानी की बात सुनकर वृंदा मुस्कुरा देती है तथा कहती है, अच्छी बात है। वृंदा देवी फिर दासियों के प्रति कहती है, बहनों रानी की आज्ञा है, इसीलिए संकोच छोड़कर हम लोगों को श्याम सुंदर के हाथ से पान खा ही लेना है। वृंदा के ऐसा कहते ही श्याम सुंदर एक साथ ही वृंदा की दासियों को तथा मंजरियों को पान खिलाकर अपनी प्रेम भरी दृष्टि से तथा अपने मधुर कर स्पर्श से सभी को आनंद एवं प्रेम में विभोर बना डालते हैं। वेदी के मेहराबों पर खम्भों एवं पुष्प वृक्षों की टहनियों पर बैठकर भिन्न भिन्न जाति के सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं। पुष्पों पर गुनगुन करते हुए भौरे मंडरा रहे हैं। पुलिन की बालिका पर मयूरी एवं मयूरों का दल आनंद में डूबा हुआ विचरण कर रहा है। श्री यमुना जी की धारा पर जल जातीय पक्षियों एवं हंसों का समूह तैरता हुआ अपनी मधुर बोली से वन एवं पुलिन को निनादित कर रहा है। इन सबकी ओर से प्रतिनिधि के रूप में वृंदा कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर, अपने वन के समस्त चराचर प्राणियों की ओर से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, अपनी प्रिया एवं सखियों के साथ रास करके हम लोगों के नैनों को शीतल करो। प्यारे असंख्य वर्षों से मैं तुम्हारा रास देख रही हूँ, एक रात्रि को भी तुम रास रचाकर हमारे नैनों को शीतल करते हो, पर प्यारे श्याम सुंदर तुम्हारा यह रास नृत्य नूतन ही रहता है। मेरी प्रिय सहेलियों ने अत्यंत उत्साह के साथ वेदी सजाई है, इस वेदी को अपने चरण स्पर्श का दान करके मेरी सखियों एवं दासियों की सेवा स्वीकार कर लो। श्री श्याम सुंदर अत्यंत प्यार भरी दृष्टि से वृंदा एवं वृंदा की दासियों को देखते हैं। उनकी दृष्टि पड़ते ही सब प्रेम एवं आनंद में बेसुध होने लगती है। श्री श्याम सुंदर सिंहासन की सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर खड़े हैं। श्री प्रिया निर्निवेश नैनों से श्याम सुंदर के सुंदर मुखारविंद की शोभा निहार रही हैं। श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया से रास मंडल में पधारने के लिए अनुरोध करते हैं। श्री प्रिया मुस्कुराती हुई सिंहासन से नीचे उतर पड़ती हैं तथा श्याम सुंदर का कंधा पकड़कर खड़ी हो जाती हैं। उन्हें साथ लेकर अत्यंत मधुरी चाल से चलते हुए श्याम सुंदर वेदी के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। श्री प्रिया बाईं ओर खड़ी होती हैं, विशाखा दाहिनी ओर तथा ललिता श्री राधा के बाईं ओर खड़ी होती हैं, चित्रा विशाखा के दाहिनी ओर। इस प्रकार श्याम सुंदर को लेकर पांच तो बीच में दक्षिण की ओर मुख करके खड़ी हो जाती हैं तथा शेष सखियों एवं मंजरियों की मंडली इन पांचों को घेर कर गोलाकार खड़ी हो जाती हैं। उनके इस प्रकार खड़ी हो जाने पर अर्धचंद्राकार में मंजरियों का एक एक दल चारों दिशाओं के ठीक बीच में सुंदर सुंदर वाद्य यंत्रों को लेकर खड़ा हो जाता है। वेदी का शेष अंश वृंदा की दासियों से ठसाठस भर जाता है। सभी सखियों दासियों एवं मंजरियों के बदन पर चंपई रंग की साड़ियां अत्यंत सुंदर लग रही हैं। सबके शीश पर एक से एक बढ़कर सुंदर सुंदर चंद्रिका शोभा पा रही है तथा उन पर की मड़ियों के लाल नीले पीले उजले हरे नारंगी एवं बैंगनी रंग के प्रकाश से एवं चंद्रमा की अत्यंत शुभ्र चांदनी से इन सबसे वहाँ की चमक दमक एवं शोभा सर्वथा अवर्णनीय हो गई है। श्री प्रिया श्री श्याम सुंदर सखियों मंजरियों और दासियों के अंगों से ज्योति एवं सुगंधि के फैलने से समस्त पुलिन भी प्रकाश तथा सुवास से कुछ इतना अधिक परिपूरित हो उठा है कि उसका वर्णन सर्वथा असंभव है। श्री श्याम सुंदर के दाहिने हाथ में मुरली है, बाएँ हाथ से वे श्री प्रिया के दाहिने कंधे को पकड़े हुए हैं। सर्वत्र आनंद एवं अनुराग की धारा बह रही है। इसी समय सबसे प्रथम श्री श्याम सुंदर मुरली में सुर भरते हैं। उनके सुर भरते ही वाद्य यंत्र बजाने वाली मंजरियों के चारों दल भी एक साथ ही श्याम सुंदर के सुर में सुर मिलाकर वाद्य बजाना प्रारंभ करते हैं। मुरली एवं वाद्य यंत्रों की मधुरिमा से पुलिन रसमय बन जाता है। श्याम सुंदर सुर भरकर रुक जाते हैं। उनके रुकते ही सब वाद्य यंत्र भी तत्क्षण रुक जाते हैं। वे दो तीन क्षण के लिए रुकते हैं। उस रुकने के क्षण में सखियां मंजरियां एवं दासियां सभी मिलकर एक साथ ही अपने एक पैर को ऐसी चतुराई एवं विलक्षण रीति से किंचित हिला देती हैं जिससे घुंघरू एक साथ एक स्वर में बज उठते हैं तथा उनका अनिर्वचनीय मधुरिम स्वर समस्त पुलिन पर बिखर जाता है।
I saw war. I saw moving. I saw. वह ध्वनि सर्वत्र गूंजने लग जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यमुना के प्रवाह के अंतराल में, बालुका कणों के हृदय में, पुष्प वृक्षों के अंतरतम में सर्वत्र घुंघरू बज रहे हैं। घुंघरू की ध्वनि बंद होते ही दूसरे क्षण फिर वही मुरली का मधुरतम स्वर और वाद्य यंत्रों का सुंदरतम स्वर गूंजने लगता है। इस प्रकार घुंघरू एवं मुरली तथा वाद्य यंत्रों की ध्वनि क्रम से गूंजती है। प्रत्येक बार स्वर का तार पहले की अपेक्षा दीर्घ होता जा रहा है, अर्थात उत्तरोत्तर अधिक समय के लिए स्वर की गति चालू रखी जाती है। श्री प्रिया अपने बाएं हाथ को अब ऊंचा उठा लेती हैं तथा स्वर का निर्देश करती हुई उसे अत्यंत सुंदर रीति से धीरे धीरे ऊपर नीचे एवं बाएं दाहिनी घुमा रही हैं। श्री श्याम सुंदर अब अपना बायां हाथ श्री प्रिया की दाहिनी बाह के भीतर ले आकर श्री प्रिया के दाहिने हाथ की अंगुलियों को अपने बाएँ हाथ की अंगुलियों से पकड़ लेते हैं। श्री प्रिया के बाएं हाथ का अंगुली संचालन ही सबको स्वर की सूचना देता जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन अंगुलियों से कोई छिपी हुई शक्ति निकल करके श्याम सुंदर की मुरली एवं अन्य अन्य वाद्य यंत्रों को श्री प्रिया की इच्छानुसार नचा रही है। श्याम सुंदर के मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान है। सखियों एवं दासियों की आँखें प्रेम में झूम रही हैं। श्री प्रिया अपनी आँखों की पुतलियों को कोयों में इस प्रकार नचा रही है कि देखते देखते दर्शक मंडली बेसुख सी होती जा रही है। अब वाद्य यंत्रों की मधुरिमा के साथ ही मंजरियों के चार दलों में जितनी मंजरियाँ थीं वे सब अत्यंत मधुर कंठ से एक साथ स्थायी स्वर में गाना प्रारंभ करती हैं। बन्यो मोर मुकुट नटवर वपु श्याम सुंदर कमल नयन बाकी भौह ललित भाल घूंघर वारी अलके पीत बसन मोती माल ये पदिक कंठ लाल हसनी बोलनी गावनी गंडन श्रवण कुंडल झलके कर पद भूषण अनूप कोटि मदन मोहन रूप अद्भुत बदन चंद्र देख गोपी भूली पलके कहे भगवान हित राम राय प्रभु ठाड़ी रास मंडल मदि राधा सो बाह चोटी किए हिये प्रेम ललके। गीत समाप्त होने पर दो तीन क्षण सर्वत्र नीरवता छा जाती है, फिर तुरंत ही श्री प्रिया अपने घुंघरुओं को बजा देती हैं। उनके ऐसा करते ही घुंघरू एवं वाद्य यंत्र एक साथ बज उठते हैं। इस बार विश्व मोहन नृत्य प्रारंभ होता है। स्वर के साथ वह मंडली जो श्री प्रिया प्रियतम एवं ललिता विशाखा चित्रा को घेर कर गोलाकार खड़ी थी अपने पैरों को उठाती गिराती हुई घूमने लगती है तथा श्री प्रिया प्रीतम एवं ललिता विशाखा चित्रा अपने स्थान पर ही उसी प्रकार अपने पैरों को नचाती हुई घूमने लगती है। नृत्य मंडली की गति पूर्व से पश्चिम की ओर है। इसी समय श्याम सुंदर जितनी सखियां हैं उतने रूपों में प्रकट होकर प्रत्येक के बीच में खड़े हो जाते हैं तथा सबका हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। अब सखी श्याम सुंदर सखी श्याम सुंदर सखी श्याम सुंदर सखी श्याम सुंदर की जोड़ी हाथों से हाथ मिलाए हुए नृत्य कर रही है। श्री प्रिया एवं सखियाँ एक साथ ही स्वर के क्षणिक लय एवं सामयिक परिवर्तन के अवसर पर तत् थे आदि शब्दों को इतनी मधुरतम स्वर में उच्चारण करती हैं कि वेदी की समस्त दर्शक मंडली आनंद में विभोर होकर भाव के वेग को संभाल नहीं पाती और तद भावाविष्ट होकर थे उच्च स्वर से बोल उठती हैं। अब नृत्य की गति तीव्र हो जाती है तथा उसी नृत्य के स्वर में स्वर मिलाकर मंजरियों के चारों दल मधुर कंठ से गाने लगते हैं। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपी ने के मध्य राजे मुकुट लटक री काछी ने किंकी ने कटी पीताम्बर की चटक कुंडल किरण रवि रथ की अटक तत् थे सबद सकन घट उरप थिरप गति पग की पटक री रास में श्री राधे राधे मुरली में एक रट नंददास गावे तहां निपट निकट री। नृत्य की गति और भी तीव्रतर होती है तथा मंजरियों का दल इसी पद को नृत्य के स्वर में स्वर मिलाकर गाता है। इस बार सखियां और श्याम सुंदर परस्पर का हाथ छोड़कर अपने अपने दोनों हाथों से भाव बताना प्रारंभ करते हैं। समस्त सखियों के समस्त अंग नृत्य के चढ़ाव उतार के साथ विचित्र विचित्र भंगिमा का प्रकाश करते हुए सबको आश्चर्य में डाल रहे हैं। नृत्य के समय अंगों को झुकाने मोड़ने आदि के ढंग को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इन सखियों के अंगों में 80 संस्थान हैं ही नहीं और इनके अंग सर्वथा
सुंदरतम सुकोमल मांस से निर्मित हैं, जो इच्छा अनुसार सब और सभी स्थानों से मुड़ जा सकते हैं। नृत्य करते करते सखियों का अंचल सिर से सरक जाता है। श्याम सुंदर बड़ी सावधानी से उनके अंचल को बीच बीच में ठीक कर देते हैं। अब नृत्य के आवेश में श्री प्रिया एवं लता आज भी बेसुध होने लगती हैं। बीच में ही एक मंडल बन गया है जिसमें ललिता श्याम सुंदर, प्रिया श्याम सुंदर, विशाखा श्याम सुंदर ये छह हैं। मध्य स्थित श्री प्रिया एवं लता की मंडली ज्यों की त्यों नृत्य करती हुई अपने स्थान पर ही घूम रही है, पर बाहर वाली मंडली नृत्य के आवेश में बहुत ही सुंदर दूसरा आकार धारण कर लेती है। फिर कुछ देर बाद मंडली तीसरा आकार धारण कर लेती है, कुछ देर बाद चौथा आकार धारण कर लेती है, कुछ देर बाद पांचवा आकार धारण कर लेती है। उपरोक्त पांचों आकारों में ही यह बात निश्चित रूप से है कि प्रत्येक सखी के पास श्याम सुंदर है। इन पांच प्रकार के ढंग से बहुत देर तक मधुरतम नृत्य एवं संगीत का सरस प्रवाह बहता रहा। अब रात्रि का समय अढ़ाई पहर से कुछ अधिक व्यतीत हो जाता है, पर किसी को भी इसकी सुधि नहीं है। श्री प्रिया एवं सखियों की बेड़ियाँ खुल गई हैं, उनमें से फूल झरझर कर गिर रहे हैं, मुखारविंद पर प्रश्वेत कर मोती की तरह झलमल झलमल कर रहे हैं। श्री प्रिया आनंद में मूर्छित होकर गिरने लगती हैं। इसी समय श्याम सुंदर मुरली को होठों से अलग करके श्री प्रिया को हृदय से लगा लेते हैं। मुरली बंद होते ही अन्य वाद्य यंत्र भी बंद हो जाते हैं। प्रत्येक सखी को श्याम सुंदर अपने हृदय से लगाकर अपने पीताम्बर से उसका मुंह पोंछने लगते हैं। श्री प्रिया आनंद में कुछ देर तक मूर्छित रहती हैं। कई सखियाँ भी मूर्छित हैं, कोई कोई अर्धबाह्य ज्ञान की दशा में है। सभी को श्याम सुंदर हृदय से लगाए लगाए अपने पीताम्बर से पंखा झल रहे हैं। धीरे धीरे सखियाँ पूर्णतः प्रकृतिस्थ हो जाती हैं। प्रकृतिस्थ होते ही श्याम सुंदर अपने और सब रूपों को छिपा लेते हैं तथा एक श्याम सुंदर बचे रहते हैं जो राधा रानी को गोद में लिए बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानी भी प्रकृतिस्थ हो जाती हैं। रानी हंसती हुई उठ बैठती हैं तथा अपना अंचल संभालने लगती हैं। I lost my mother-in-law to COVID. It was then that I decided to go back to school and register in the nursing program. वृंदा आनंद में डूबती उतराती हुई श्री प्रिया का हाथ पकड़ लेती है तथा प्यारवश हाथों से श्री प्रिया के हाथों को दबाने लग जाती हैं। वृंदा की दासियां गुलाब पास से सुंदर शीतल जल श्री प्रिया श्याम सुंदर एवं सखियों पर धीरे धीरे छीटती हैं। यमुना पुलिन का शीतल मंद समीर यद्यपि प्रवाहित हो रहा है, फिर भी वृंदा की दासियाँ कमल के फूलों से पिरोए हुए सुंदर सुंदर बड़े बड़े पंखों को लेकर धीरे धीरे झलने लग जाती हैं। वृंदा श्याम सुंदर के वस्त्रों में अत्यंत सुगंधित इत्र लगाती हैं। उन्हें इत्र लगाती देखकर रानी भी थोड़ा इत्र लेकर श्याम सुंदर के कंधे पर के दुपट्टे में लगा देती हैं। वृंदा की सभी दासियां फिर ऐसा अनुभव करती हैं कि मुझे प्यारे श्याम सुंदर के वस्त्र में इत्र लगाने के लिए अवसर मिला है, और वे श्याम सुंदर के अंगों का स्पर्श पाकर आनंद में बेसुध सी हो जाती हैं। फिर श्याम सुंदर एवं सभी सखियाँ मिलकर रानी के वस्त्रों में इत्र लगाती हैं। इसके बाद श्याम सुंदर सभी सखियों के वस्त्रों में एक साथ ही इत्र लगाते हैं। सर्वत्र आनंद ही आनंद छाया हुआ है। इस समय श्री प्रिया प्रीतम का मुख पूर्व की ओर है। श्री वृंदा की दासियों की टोली झारी में जल एवं कुल्ला करने के लिए चौड़े मुँह का गमला लिए हुए आग खड़ी होती है। दूसरी टोली सोने के परात में सजा सजा कर सोने की तस्तरियों में दूध की मलाई एवं वरक के संयोग से बनी हुई विभिन्न आकार एवं स्वाद की मिठाइयाँ लिए हुए खड़ी हैं। श्री श्याम सुंदर एवं श्री प्रिया कुल्ला करती हैं। दासियों की टोली बड़ी शीघ्रता से सबको कुल्ला करा देती है। कुल्ला कर लेने के पश्चात तस्तरी भरी परात को श्याम सुंदर के आगे रख देती हैं। रानी तस्तरी से मिठाई निकालकर अत्यंत प्यारपूर्वक श्याम सुंदर के मुख में देती जाती हैं। श्याम सुंदर श्री प्रिया के मुखारविंद की शोभा निहारते हुए मिठाई खा रहे हैं। कुछ मिठाई खाकर कहते हैं, ना अब तू जब तक नहीं खाएगी तब तक मैं और नहीं खाऊंगा। श्री प्रिया कहती हैं, मैं पीछे खा लूँगी। श्री श्याम सुंदर कहते हैं, तब ना सही, मैं भी अब और नहीं खाऊंगा। श्री प्रिया प्रेम से भर जाती हैं तथा कहती हैं, अच्छा मैं खा लूँगी, पर मैं जितनी मिठाई खाऊँ तुम्हें फिर उससे चौगुनी खानी पड़ेगी। श्याम सुंदर अत्यंत प्यार से कहते हैं, चौगुनी ही सही, इस पर भी यदि मैं अपने हाथ ही खिलाऊँ और तुम ठीक से खा ले तो मैं तुमसे आठ गुना अधिक खा लेने का वचन दे रहा हूँ। श्री प्रिया से कुछ आ जाती हैं। सभी सखियाँ भी आनंद में विभोर हो जाती हैं। श्री प्रिया चुप बैठी रहती हैं। श्याम सुंदर मुस्कुराकर पूछते हैं, क्यों प्रिय, मेरी बात को स्वीकार करती हो या नहीं? रानी बहुत सकुचाए स्वर में धीरे से कहती हैं, अच्छा खिला दो।
श्याम सुंदर अत्यंत प्यार से श्री प्रिया के हाथ को पकड़ लेते हैं तथा फिर दाहिने हाथ से श्री प्रिया के मुंह में मिठाई का एक छोटा सा खंड रख देते हैं।